हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्यूटीफुल जैकेट के कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो तो इसे शुरू करते बनाने हैं। के लिए मैं ये साड़ी का पल्लू का यूज़ करूँगी और हमें 1 मीटर ये कॉटन अस्तर चाहिए। तो मैंने ये कपड़ा 2 फोल्ड में रखा है, ये ओपन वाली साइड है और ये हमारी तरफ वाली बंद वाली साइड। अब हमें इस तरह की एक पोलो नेक टी शर्ट लेनी है जो ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज भी ना हो। तो उसमें हमें इस तरह की छोटी या बड़ी कोई भी स्लीव होनी चाहिए। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम नीचे 1 इंच पे निशान लगाएगी और उसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम हमारी जैकेट की लेंथ उस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 18 इंच की जैकेट बनाने वाली हूँ और 1/2 इंच हमें ऊपर सिलाई मार्जिन का रखना होगा। तो 18.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। अब हमें वहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें टी शर्ट को इस तरह फोल्ड कर लेना है और फिर इसे यहाँ पे इस तरह से सेंटर में बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। अब हमें जो ऊपर निशान लगाया था तो हमें टी शर्ट को इस तरह से जो निशान था ऊपर उसे मिला देना है। अब हम गले पे और शोल्डर पे निशान लगाएंगे, फिर हम कमर पे निशान लगाएंगे। अब हम आर्म होल के निशान लगाने के लिए इस तरह से उंगली रखेंगे और फिर इस तरह से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हम टी शर्ट को हटा देंगे। तो हमने नीचे और ऊपर सिलाई मार्जिन ऐड कर दिया था, तो अब हम पहले आर्म होल पे सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो आर्म होल पे हमें 0.25 जितना, मतलब एक पैर की सिलाई लगानी है उतना हमें सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। अब हम चेस्ट और कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो उसमें हम 1 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे क्योंकि हमारी टी शर्ट स्ट्रेचेबल है, और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का यूज़ करेंगे। तो हम टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे और पूरे चेस्ट से कमर तक हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए कपड़े को हमें इस तरह से हमारी तरफ कर लेना है और ये जो ओपन वाली साइड है अब हम हमारी तरफ आएगी। तो ये जो किनारी है पहले हम वहाँ पे निशान लगा देंगे, तो हमें बाद में उसे कट कर लेना है। तो मैं आपको इस तरह से निशान लगा के बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हमें जो किनारी पे निशान लगा था वहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और चेक कर लेना है कि सभी तरह से अच्छी तरह से कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारी बिल्कुल नाप की आ रही है। तो यहाँ नीचे हमारा कपड़ा भी उतना बचेगा। तो हमें साइड पे यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है, बाकी सब हमें कटिंग ऐसे ही कर लेनी है। तो ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई। अब ये जो हमारी पक्की वाली किनारी थी उसे भी हमें कट कर लेना है। अब हम आगे के लिए गले के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और गले की चौड़ाई हमें जो हमने पीछे का गला काटा था वहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब हम यहाँ पे निशान को मिला के एक बॉक्स बना देंगे और गले के लिए राउंड शेप दे देंगे। अब हमें आगे के लिए आर्म होल कट करनी है, तो हमें इस तरह से स्केल की हेल्प से एक बॉक्स जैसा बनाना है और हमें इस तरह से आगे के लिए आर्म होल की गहराई दे देनी है। अब हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई तैयार। तो हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके कॉलर बनाएंगे। तो अब हमें स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव बनाने के लिए मैंने जो ये साड़ी की लेस थी उसमें इस तरह से जॉइंट लगा दिया है।
और इस तरह से दोनों राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए हमें कपड़े को इस तरह सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। तो अब हमें टी शर्ट लेनी है और टी शर्ट को 1.25 इंच की लेंथ लेनी है पहले, फिर वहाँ पे हमें 1.25 इंच पे हमारा आर्म होल कितना आता है उसे हमें मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल आया 6 इंच, तो क्योंकि उस पर मेरी कटिंग की मार्किंग नहीं दिखाई दे रही थी अच्छे से, तो मैं आपको पेपर पे कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो पहले हमें नीचे 1 इंच फोल्डिंग के लिए इस तरह निशान लगाना है। अब हम स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे मेरे स्लीव की लेंथ है 17 इंच और आधा इंच हमें ऊपर की ओर मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो 17.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे मेरा आर्म होल आया था 6 इंच और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। अब हम मोरी के लिए हमारा जो भी मोरी का नाप हो उस पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच हम मार्जिन के लिए निशान लगा। स्लीव की गहराई के लिए हमें जो हमारी स्लीव लेंथ ली थी हमने 17.5 इंच, तो हमें 17.5 इंच पे इस तरह से मेज़र रखनी है और 1.75 इंच पे निशान लगाना है। तो ये मैंने 1.75 इंच पे निशान लगा दिया। तो अब हमें इन दोनों निशानों को स्केल से इस तरह मिला देना है। अब हम स्लीव की शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव की शेप देने के बाद हम पेपर को कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें सेंटर पे एक कट लगा देना है ताकि हमें सेंटर का पता चले। अब हमें बीच में से इस तरह ओपन कर लेना है और आगे के लिए जो आर्म होल है उसकी शेप दे देनी है, फिर इसे कट कर लेना है। और इसी पेपर को रख के मैं कपड़े पे स्लीव की कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब हम यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले ये आगे का आर्म होल है। अब हमें जो हमारा साड़ी का पल्लू है इसे इस तरह से फोल्ड करना है, और ये जो बंद वाली साइड है हमारी तरफ तो वहाँ हमें बैक पार्ट को रखना है, और ये जो नीचे हमने ये जो 1 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क किया था तो हमें इसे इस तरह से रखना है। अब हम ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला साइड है ओपन वाला उससे रखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 1 इंच पे नीचे फोल्डिंग का निशान लगा देंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। तो इन निशानों को हम, तो अब हमें इसे भी इस तरह से नीचे फोल्ड करेंगे और इसे यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ ये जो साइड वाला हिस्सा है तो वहाँ पे हमें बाद में जॉइंट लगा दूंगी। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें इसे अच्छी तरह से चेक कर लेना है सभी साइड, फिर हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट साइड की कटिंग कर ली और यहाँ पे हम बाद में जॉइंट लगा देंगे। तो अब हम अस्तर को अलग कर लेंगे और यहाँ पे हमें जितने भी साइज का कॉलर बनाना है उतना हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अब हम यहाँ पे इस तरह से निशान बना देंगे। अब हम इसे ऊपर की ओर फिर से एक बार इस तरह से हम निशान को डार्क कर लेंगे ताकि हमारे ये जो दोनों तरफ इस तरह से निशान आ जाए। और वहाँ पे भी हमें इस तरह से स्केल की हेल्प से निशान बना लेना है। अब हमें जो हमारी लेस थी उसे इस तरह से रखना है और ऊपर एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेना है। तो ऐसा है, हमें दूसरी तरफ भी इस तरह से लेस रखनी है और ऊपर से एक्स्ट्रा कट कर लेना है। फिर साइड पे हमें शोल्डर के साइड से इस तरह से दोनों तरफ लेस रखते हुए जॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर ली है, इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। अब हमें स्केल की हेल्प से इस तरह से हमें एक क्रॉस
लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। इसे हमें इस तरह सामने की ओर रखते हुए हमें दूसरी साइड को भी इसी तरह कट कर लेना है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। अब हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिलाना है और फिर जो एक्स्ट्रा गले में और साइड में जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसे कट कर लेना है इस तरह से। तो ऐसा ही हमें दूसरी तरफ भी कट कर लेना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर लिया। अब हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक सिंगल फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है इस तरह से। तो पहले हम यहाँ पे सिंगल फोल्ड करके एक स्टिच लगाएंगे। तो इसे हम पहले इस तरह से सिंगल फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ पे इसे इस तरह से रख के एक सिलाई ऊपर टॉप पे लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा कपड़े के साथ जॉइंट हो जाएगा। तो ये सिलाई लगा दी हमने। अब ये जो ओपन वाली साइड थी वहाँ पे हमें इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह हमें दोनों तरफ लेस को जॉइंट कर लेना है। तो ये मैंने दोनों तरफ लेस को जॉइंट कर लिया। तो अब हमें जो ये साड़ी का पल्लू में से कट किया था उसकी फ्रंट साइड लेनी है और दोनों की राइट साइड आमने सामने रखते हुए इस तरह से हमें दोनों तरफ रखना है। और यहाँ पे गले पे और यहाँ नीचे तक हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है और फिर इसे हम बीच में से राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो हमें इस तरह से एक पैर की सिलाई लगानी है पहले गले में, फिर हम नीचे तक पूरी एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ इस तरह की सिलाई लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर कट करेंगे। तो पहले ये जो हमने कोना निकाला था तो वहाँ पे हमें इस तरह से कट करना है, फिर हमें गले में यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब इसे हमें बीच में से इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पे तो ये जो हमारा कॉर्नर है उसे हमें किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से हमें बाहर एक तरफ अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ ले आना है और हमारा कॉलर इस तरह से बनेगा। तो ये जो हमने लेस लगाई थी पीछे साइड वो इस तरह से बाहर आएगी तो ये हमारा कॉलर बन जाएगा। यहाँ साइड पर हमें जॉइंट लगा देना है, फिर हमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने जॉइंट लगा दिया और चारों तरफ मैंने सिलाई भी लगा दी। तो ये इसकी रॉन्ग साइड। अब हम इसे राइट साइड को टर्न करेंगे इस तरह से और हमें जितना भी कॉलर बनाना है उतना हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ। तो अब हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। तो यहाँ ऊपर की ओर एक पिन और यहाँ नीचे भी हम एक पिन, दोनों तरफ ऐसे दो पिन लगा देंगे। तो इसे हम बाद में हाथ सिलाई से जॉइंट कर लेंगे और हाथ सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना है कि ऊपर की ओर हमारा स्टिच ना दिखाई दे, इस तरह से हम कॉलर को जॉइंट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऊपर की ओर नीचे की ओर इस तरह से दो दो पिन लगा के ये कॉलर इस तरह से जॉइंट कर लिया है अभी। तो अब हम बैक पार्ट लेंगे और इस तरह से
हम राइट साइड को अंदर रखेंगे और यहाँ पे गले पे एक सिलाई लगा के बाद में कट लगा के हम इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये मैंने गला बना दिया। अब हम फ्रंट साइड को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर पे एक एक सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम इसे नाखून से प्रेस करके इसे अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो स्लीव की बॉटम थी उसे टू फोल्ड करके बना लिया है। अब हमें ये जो साइड पे नॉचिस लगाया था वो आगे की साइड आएगा, मैंने आपको कहा था। तो हमें इस तरह से इसे मैच करना है सेंटर में बीच में से और पूरी स्लीव लगा देनी है। और इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी स्लीव लगा लेनी है। तो मैंने ये दोनों तरफ की स्लीव लगा दी। अब हमें इसे इस तरह से राइट साइड टर्न करना है और यहाँ पे बिल्कुल ही किनारे पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने किनारे पे सिलाई लगा दी। अब हम ये जो नीचे बॉटम वाले पार्ट है उसको इस तरह से टू फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने बॉटम पे इस तरह से सिलाई लगा दी। अब हम इसे रॉन्ग साइड इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे हमें जितना भी हमने मार्जिन लिया था उतना हम निशान लगा के एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था। तो इस तरह से मैं 1 इंच पे मार्किंग करके दोनों तरफ हमें एक एक सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ सिलाई लगा देने के बाद ये है मेरी जैकेट का फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।